सो गाइस, आज हम जा रहे हैं नाइट आउट के लिए। गुसाइन जी और मैं, वैशाली में हमारा नाइट आउट होगा। बाइक पे सवार हम दो जने जा रहे हैं। थोड़ी लाइटिंग का इशू है तो मेरा चेहरा आपको दिखाई नहीं देगा, तो उसे अवॉइड करिएगा। चलिए बाइक की राइड की मजा लेते हैं। और हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। देखिए गाइज, ये है इंद्रापुरम। अभी हम नर्सरी, कितनी प्यारी नर्सरी भी है यहाँ पर प्लांट्स की। ये कौन सा हाईवे है? हैं, नोएडा है? ये NH-24 हाईवे पे जा रहे हैं हम लोग। ये पूरा इंद्रापुरम है। सो गाइस, हुसैन जी अपनी बाइक की हवा भरा रहे हैं यहाँ पे। इनके बाइक के टायर पंचर हो गया, मतलब हवा भरानी पड़ती है उसमें। भर गई? भर गई हवा? वापस आ चुके हैं। ये रहा गौर सिटी मॉल। ये देखिए, ये रहा गौर सिटी मॉल। भाई चला the window.
सो गाइस कल हम बहुत लंबे टूर पे चले गए थे, तो कल का मैं घूमने के बाद दिखा नहीं पाई कि हम कहाँ कहाँ गए थे। बहुत ही लंबा टूर हो गया था हमारा कल का। तो आज हम बनाएंगे एग करी और राइस। तो एग करी के लिए मैंने सामान निकाल दिया है, मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या निकाला है। गाइस अब तक मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया सरसों का, तो इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। हम लेंगे दो प्याज, लहसुन की कलियाँ, धनिया और अदरक, मिर्ची, टमाटर, ये हम बनाएंगे इसका पेस्ट। तो हम पहले मसाला तैयार कर लेते हैं, आगे चलिए। सो गाइस मैंने टमाटर प्याज और अदरक और लहसुन और थोड़ी सी काली मिर्ची और एक वो डाल दिए ऐसे सिनेमन स्टिक डाली है इसमें, एक दालचीनी। तो अब इसको हम बंद करके मिक्सी में घुमा लेंगे। सो गाइस आज संडे है तो गोसाई जी घर में ही है, तो आज एग राइस बन रहा है। मसाले तैयार हो गए हैं, बस मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या मसाले पीसे हैं दोबारा से। गाइस यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। उसके बाद हमने इसमें अदरक, लहसुन, काली मिर्ची, सिनेमन स्टिक और प्याज मैंने इसमें पीसा है। अब हम इसको डालेंगे तेल में सबसे पहले। इसमें थोड़ा सा और बचा है तो इसमें भी मैं पानी डाल के और थोड़ा सा बेक करूँगी ढक्कन के साथ, और इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे, इससे कि अच्छे से भून नहीं जाता, थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए, उसका भूनेंगे इसको हम। और गाइस मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें मसाले में पीसा है टमाटर, मिर्ची और धनिया के पत्ते, ऐसा वाला ग्रीन धनिया, हरा धनिया। जब भी आप चिकन बनाए ना तो आप इसमें धनिया ज़रूर पीसें, चिकन हो गया या फिर मटन हो गया, और मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो हर ग्रेवी में, ग्रेवी वाली चीज़ में आपको धनिया पीसना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होटल वाला टेस्ट आता है, मतलब बहुत अच्छा स्वाद देता है। उसके साथ आप पुदीना भी डाल सकते हैं, पुदीना भी बहुत अच्छा स्वाद देता है। तो जब तक ये लाल होता है हम वेट करते हैं। गाइस ये हो चुका है प्याज, अब इसमें हमें ये बना जो मसाला ये डाल देंगे। जो बचा कुचा मसाला है मैं अभी पानी के साथ मिक्स करके डालूँगी। भाई बता नहीं सकती मैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मज़ेदार।
मतलब हर चीज़ का अरोमा आ रहा है, हरी मिर्ची का, धनिए का। तो भाई जब तक मसाला पक रहा है हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, ना खाते हैं ये धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, हल्दी, उसके बाद इन सबको कर लेंगे हम मिक्स। अब हम इस मसाले को थोड़ी देर ढक कर धीमी आंच पे पकाएंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बहुत से लोग पूरा डालते हैं पर मुझे पूरा पसंद नहीं आता, मैं आधा ही पार्ट पार्ट के डाल दूँ। तो इसको हम थोड़े से स्लो आंच पे पकने देते हैं और हम लोग करते हैं चावल। सो गाइस घर का सारा काम हो चुका है, हमने स्नान कर लिया है और अब हम चलते हैं खाना खाने। गोसाई जी भी आ रहे हैं थोड़ी देर में, फिर हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने जा रहे हैं, आप भी आइए हमारे साथ खाना खाने। हमने बनाएंगे एग करी और ये हमारे राइस और खीरा। तो चलिए मिलते हैं खाना खाने। से मैंने एक करी बनाई है, राइस और खीरा, और आगे बताते हैं कैसे। तो गाइस शाम का समय हो गया है और चाय 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 किसके लिए बना रहे हो तुम चाय? इसको आवाज़ बंद करो, कॉपीराइट आ जाएगा। आवाज़ बंद करो। किसके लिए? बीवी के लिए नहीं बना रहे सही में? गौर से देखिए इस आदमी को, इसने चाय बनाई है जो कि अपनी बीवी के लिए नहीं है। ये बन रही है हमारी चाय। गोसाई जी चाय पिला रहे हो नहीं पिला रहे हो? जल्दी बनाओ यार, सर दर्द हो रहा है। किस में दर्द नहीं होता? नमकीन भी खानी है मुझे। तो गोसाई जी ने फाइनली चाय बना दी। किसके लिए बनाई थी?
गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, सी यू गाइस इन नेक्स्ट ब्लॉग। जब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। बाय।